आप सबको स्वागत है। आज हम 24 मार्च की शुरुआत में आ चुके हैं और परमपिता परमात्मा आज हमें समझाते हैं कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को जब हम पा लेते हैं अपने जीवन में तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खुशी होती है, हमारे अंदर वो संतुष्टता होती है और हम गीत गाते रहते हैं खुशियों के और हम उड़ते रहते हैं खुशियों में, प्रेम में। उसी तरीके से परमात्मा कहना चाहते हैं कि क्या ये चीज तुम मेरे साथ भी मुझे पाने के बाद भी कर सकते हो। तो इस चीज को हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भवा। अगर भगवान को अपना संसार बना लिया जाए, जैसे कि हमने कल के वरदान में हमने देखा था कि तुमेव माता स पिता तुमेव, तुमेव बंधु से सका तुमेव, कि आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई बहन बंधु सका, हर चीज आप ही हो मेरे लिए और मेरा किसी और से कोई इच्छा नहीं है, तो जाकर के हमारी खुशी कम नहीं होती है। जब हमारी औरों से इच्छाएं हो जाती हैं, हम औरों को अपना मान लेते हैं कि ये मेरे हैं परमात्मा को छोड़ करके, तो हमारी जो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तब जाकर दुख महसूस होता है, अशांति और असंतुष्टता महसूस होती है। तो क्यों ना हम परमात्मा को अपना संसार बना लें। आज इसको हम विस्तार में लेके चलते हैं। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। जब हम इस ज्ञान में नहीं थे तो उसके पहले हमारी जिस्मानी दृष्टि थी, हम लोगों से इच्छा रखते थे, लोगों को अपने अनुसार चलाना चाहते थे, लोग मेरे अनुसार चले, मेरी बात माने, तो हमें लगता था कि हाँ ये मुझसे प्यार करते हैं या ये मेरी बात मानते हैं तो इसका मतलब कि ये मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के सब कुछ हमारा ये जो सोच थी उसको पूरा पलट दिया। लोग कलयुग में है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलेंगे, वो अपने हिसाब किताब पूर्ण करने के लिए आए हैं, वो हमारे अनुसार सोचेंगे नहीं। तो क्यों ना हम अपने आप को परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट कर दें, निर्भर कर दें उनके प्यार पर, उनकी शांति पर, उनके सुख पर, और हम औरों से अपनी सुख शांति प्रेम आनंद खुशी को, उसकी इच्छा को कम करते जाएं। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी चारों तरफ, उससे क्या मिलेगा, इसको मैंने ये किया उससे मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, मैंने इतना उसके साथ में काम किया उसने मेरे लिए क्या किया, ये साथी संबंधी इनसे क्या होगा मेरा, हमारा कहीं ना कहीं टेंशन और स्ट्रेस, और वो एक टेंशन थी हर एक के साथ में, जो कि परमात्मा के ज्ञान मिलने के बाद में वो टेंशन के धागे टूट गए, कट गए या कट रहे हैं अभी भी आपके, और परमात्मा से जुड़ने शुरू हो गए। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना जल्दी इनको काटना चाहें। सब भावनाओं का खेल है। अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। पहले कहाँ भटकता था, चीजों में, लोगों में, रिश्तों में, रिश्तेदारों में, संबंधियों में, और अभी परमात्मा को सब कुछ बना लिया, ये बना रहे हैं, तो आस्ते आस्ते क्या हो गया, वहां पे भटकना कम हो गया और सारी शक्ति जो आत्मा की है वो कंसंट्रेट हो गई, जिससे कि आपकी शारीरिक खुशी, शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ भी इंप्रूव होती जाती है। नहीं तो पहले जब भटकती थी आत्मा के स्रोत जो थे परमात्मा से नहीं जुड़े थे, तो आत्मा की जो शक्ति थी वो सारी तरफ भटकती थी, उसने इंसान को ही अपना स्रोत बना के रखा था, मैंने भी बना के रखा था, लेकिन आस्ते आस्ते परमात्मा से जुड़ने से वो सारे स्रोत खुशी के, वो जो रस लेते थे लोगों से, चीजों से, वस्तुओं से, वैभवों से, वो कम होते जा रहे हैं और आगे और भी कम करने हैं। परमात्मा कहते हैं, बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया। जो बेहद की प्राप्तियां हैं तो वो ये हद की चीजों की प्राप्तियों से हमें क्या मिलेगा, तो और क्या चाहिए, इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित रहो। क्योंकि कोई भी हमारा मूड बिगाड़ नहीं सकता, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमें दुखी नहीं बना सकती है, नथिंग न्यू। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। माया मतलब हमारे अंदर के अगर अहंकार जागृत हो जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई व्यक्ति कुछ कहते, कोई वस्तु कुछ करते, कोई नुकसान हो जाए, तो अंदर क्या हो सकता है, अहंकार आ सकता है, मोह हो सकता है, चीजों से लगाव हो सकता है, इससे दुख हो सकता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं माया रुलाए, अगर ये अंदर से भावनाएं उत्पन्न हो रही हो किसी चीज को देख करके, तो भी रोना नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिन रोया तिन खोया। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है आपको ब्रह्मा कुमारी, इसमें आपको ना रोने वाला ज्ञान दिया जाता है, जो कि आप आकर के सीख सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।